आप मंच में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। रमेश रौतेला जी नगर अध्यक्ष खटीमा युवा कांग्रेस मंच में पहुंचे, कष्ट करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि हैं सभी, विक्की चौहान जी सभासद नगर पालिका, कृपया मंच पर पहुंचे, कष्ट करें। हमारे मुख्य अतिथि हैं सभी। श्री किशोर जोशी जी मंडल सचिव भाजपा, श्री ललित मिश्र जी महामंत्री भाजपा, श्रीमती अंजू देवी सिविलियन एजेंसी कनाबा रोड खटीमा, आप लोग मंच पर आने का कष्ट करेंगे। श्री सुमित बहादुर पाल छात्र संघ अध्यक्ष खटीमा, श्री अनिल चंद्र पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष खटीमा, ग्राम प्रधान गोहरपटिया, सभी लोग मंच पर आने का कष्ट करेंगे। सभी आगंतुकों का श्री आदर्श जनता रामनाथ चौधरी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं बॉबी राठौर जी से आग्रह करूंगा वो दो शब्द कहेंगे। सीताजी जी की इस जयकारे के साथ बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी माता सीता की जय, शेषनाग अवतार श्री लक्ष्मण भगवान की जय। आज इस बयान द्वारा रामला कमेटी धन्यवाद द्वारा, जो कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर राम की लीला का मंचन किया जाता है, मैं सबसे पहले रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं और अध्यक्ष हैं सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि विगत पिछले कई वर्षों से आप लोगों ने निरंतर राम की लीला का यहां पर मंचन और आयोजन किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ आए हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे जिले के उपाध्यक्ष नरेंद्र आर्या जी और यूथ कांग्रेस के हमारे
अध्यक्ष नगर के रमेश रौतेला जी, सभासद वार्ड नंबर 8 से विक्की चौहान जी और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष छोटे भाई किशोर जोशी जी और सुमित बहादुर पाल जी, अनिल चंद जी और कृष्ण मामा जी, जितने भी तमाम यहाँ पर अतिथिगण आए हैं, सबका मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, ये राम की लीला का मंचन हम अपने जीवन में बचपन काल से देखते हुए आए हैं, लेकिन इस लीला से हर एक पात्र से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे श्री राम जी का आप अगर उनके जीवन में आप अगर ध्यान देंगे तो एक राजा के कुल में उन्होंने जन्म लिया था और एक राजा के कुल में सभी प्रकार के उनके पास जो थे जीवन को जीने के लिए सभी प्रकार की सब चीजें उनको उपलब्ध थी और उसके बाद उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास में जिस प्रकार से राम जी सहज थे, जिस प्रकार से वो राजा के कुल में पैदा होने के बाद सहज थे और जब उनको दुख आया, वनवास हुआ, उसके बाद भी वो सहज रहे, तो हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में जब सुख और दुख श्री राम भगवान राम के पास आ सकते हैं तो हमारे जीवन में भी सुख दुख लगा रहता है, लेकिन बड़ी सहजता के साथ चाहे सुख हो चाहे दुख हो हमें धैर्य के साथ और सहजता के साथ अपने जीवन को जीने का हमें जो इस लीला के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है वो अपने जीवन में हमें सीखना चाहिए। जगत जननी माता सीता, उन्होंने अपने पति धर्म को निभाते हुए भगवान राम को जब वनवास हुआ तो सारी सुख सुविधाएं को छोड़कर उन्होंने अपने पति धर्म को निभाते हुए वो उनके साथ वन में चले गए। तो एक पत्नी के धर्म को अगर इस लीला में देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने निभाया है, इस लीला में आप देखेंगे भगवान लक्ष्मण को ब्रात प्रेम में एक भाई को जब उन्होंने देखा कि सब चीजों को त्याग कर मेरा भाई 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है तो उन्होंने प्रण किया और अपने भाई श्री राम से आग्रह किया कि भ्राता मैं भी आपके साथ आपके जीवन में जो ये दुख आया है आपके जीवन में इस दुख के साथ आपके साथ खड़े होने के लिए आपके साथ चलूंगा। तो काफी सारी चीजें हमें इस पर देखने को मिलती है। जब दशहरा होता है तो कहते हैं कि असत्य पर जो है सत्य की जीत हुई है। किस प्रकार से एक बलशाली रावण जिसके पास सब कुछ था, उसके पास दौलत थी, उसके पास बड़े बड़े योद्धा थे और श्री राम जो सिर्फ एक भाई और अपनी पत्नी के साथ वन में घूम रहे थे उन्होंने किस प्रकार से उस रावण के अहंकार को खत्म किया, तो ये सीखने की चीज है। हमारे जीवन में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये 5 चीजें हमें हमेशा घेर के रखती है। इन 5 चीजों से जिन लोगों ने विजय प्राप्त करी है उन लोगों ने आपने देखा होगा देश में भी विदेशों में भी अपना नाम कमाया है। तो इन 5 चीजों पे हमें नियंत्रण रखना है, चाहे वो काम हो क्रोध हो मोह हो लोभ हो अहंकार हो, इस पे हमें नियंत्रण रखना है। तो मैं सभी जितने भी यहाँ पर ब्यानधोरा कमेटी में यहाँ रामलीला देखने के तंजाबाद के सभी लोग आए हैं, मैं सबको साधुवाद करता हूँ और दीपावली की बधाई देता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री व्यानधुरा आदर्श रामलीला कमेटी के सम्मानित सदस्यगण, वर्षों से निरंतर इस रामलीला का मंचन, इस रामलीला का आयोजन करने वाले ऐसे तमाम कार्यकर्ता बंधु जो इस रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करना चाहूंगा। और आप सभी जो हमारे यहाँ पर कहना चाहिए कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए इस मंचन को देखने के लिए आए हुए सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां इस कमेटी के सदस्यों के लिए हम सभी बजाइए कि बहुत सीमित संसाधनों में, जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे, श्री राम जी के जीवन में जो प्रमुख बातें सीखने वाली हैं कि सीमित संसाधनों में
कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, कैसे अपने जीवन यापन करना है। अगर किसी से सीखना हो तो श्रीराम जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जंगलों में रहकर के आदिवासी गिरिवासी वंचित शोषितों के बीच में जाकर के उन्होंने किस प्रकार से सीमित संसाधनों में 14 वर्षों का वनवास काटा और असत्य पर सत्य की जीत का एक अनुपम उदाहरण पूरे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो कि सदियों 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 तक हम सभी के लिए प्रेरणादायी कहानी बनकर के प्रेरणादायी गाथा बनकर के हम सबके सामने है। और हम आज उन्हीं के जीवन की लीलाओं का मंचन देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस स्थान पर आप सभी लोग समय निकाल करके आए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं, बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, माताएं बहनें भी दिख रही हैं और सभी युवा साथी भी बहुत अपने उत्साह के साथ इस रामलीला के मंचन को देखने के लिए आए हुए हैं। मैं आप सभी को श्री राम जी के जीवन से और इस पूरे के पूरे मंचन से हम ये सब त्याग तपस्या बलिदान इन्हीं सभी बातों की प्रेरणा लेते हुए यहाँ से जाएं और इस रामलीला के मंचन को सार्थक बनाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, लेकिन इस रामलीला के इन कलाकारों के महीनों महीनों की मेहनत, एक हमारे छोटे भाई गोकुल ओली जी इस रामलीला परिषद से जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल में रावण के पात्र को भी वह यहाँ पर उसका मंचन कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं जीवंत। मैंने जैसा सुना है कि गोकुल जी बहुत जीवंत अभिनय भी करना जानते हैं, तो आज उनको भी हम देखने को यहाँ हमें मिलेगा। तो इन सबकी मेहनत कब रंग लाएगी, इन सबकी मेहनत कब सफल होगी, जब हम लोग अपने नौनियानों को अपने आने वाली पीढ़ी को, मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा, मंचस्थ जितने भी हम लोग उपस्थित हैं प्लस जो हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, आज मैं अभी मेरे साथ जो महानुभाव बैठे थे मैं चर्चा कर रहा था कि हम लोगों ने जो हमारी पीढ़ी है जो मंच में खड़ी है, जो आप लोग देख रहे हैं जो सीनियर्स हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने अपने जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखा है। हम लोगों ने शटर वाला टीवी भी देखा है, हम लोगों ने मोबाइल भी देखा है। शटर वाले टीवी से लेकर के मोबाइल तक की यात्रा में जितने प्रकार के अनुभव हम लोगों ने देखे, अभी हम एंटीना हिलाते थे तो टीवी आता था, कभी टीटीवी दिल मिल करके आता था, हम बड़े खुश होते थे। आज पूरी की पूरी दुनिया एक मोबाइल में सिमट करके रह गई है, बैंक अकाउंट हमारे मोबाइल में, हमारी सारी पुरानी यादें हमारे मोबाइल में, हमारा घर परिवार हमारे मोबाइल में, मतलब मोबाइल में पूरी दुनिया सीमित एक प्रकार से इसे आधुनिक समय में हो गई है। लेकिन जहाँ आधुनिकीकरण के इस आपाधापी भरे दौर में इन सब चीजों की आवश्यकता है, मोबाइल की आवश्यकता है, इसके बिना तो हमारा जीवन एक प्रकार का अधूरा है। वहीं दूसरी ओर हमारे सनातन परंपरा के ये जो रामलीला जैसा आयोजन है, हमारी सनातन परंपरा को अक्षुण रखने के लिए यह उतने ही नितांत आवश्यक है जितने की आज के मोबाइल आवश्यक है। मेरा तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को, हम इस प्रकार के रामलीला के आयोजन में खूब बच्चों के हिस्सेदारी करने के लिए लेकर के आए, घर से लेके जाए, उनको दिखाएं। और इस जो आज से 5,000-6,000 वर्ष पहले ये वैज्ञानिक गणित है उसके हिसाब से और हमारे वेद और शास्त्रों के हिसाब से असंख्य वर्ष पूर्व ये जो श्री राम जी के जीवन में ये घटना घटी और उसकी ये परंपरा की अविरल धारा बहते 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 आज तक ये बह रही है, ये अक्षुण रहे, ये निरंतर बहती रहे, सतत बहती रहे और हमारे आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियां इन सबके जीवन से, श्री राम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को पवित्र बनाने का काम करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका साधुवाद प्रकट करना चाहूंगा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोग इस मंचन को देखने के लिए आए, अपने बच्चों को देखने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।